दोस्तों आज हम घूम रहे हैं जगदीप सर के साथ। मेरा नाम है प्रशांत जैन और जगदीप सर बहुत ही भयंकर धाकड़ बॉटनी के टीचर हैं, ठीक है। पेड़ पत्तों के साथ इन्होंने जो एक और शानदार चीज़ें सीखी हैं वो है गाड़ी चलाना। जगदीप सर पूरे राजस्थान में अपनी ड्राइविंग के लिए जाने जाते हैं। जो भी कोई भी पर्सन नई गाड़ी लेके आता है, जगदीप सर से उसकी टेस्ट ड्राइव जरूर कराता है। तो सर एक इंट्रोडक्टरी पहले किस्सा हो जाए, फिर हम ये जानेंगे कि सर आपने ड्राइविंग में कैसे एक्सपोजर लिया, वो सब बात की बात है। बट एक बहुत किस्सा फेमस है परवेज खान सर के साथ, वो किस्सा पहले आप बताइए सर। भाई ऐसा था कि भाई मेरे पास ना ट्यूसॉन थी पहले हुंडई की, पुराना मॉडल आता था। देखो दोस्तों पहले ना ये मैच्योरिटी होती है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मेरी तरह ड्राइविंग में गरीब लोग होते हैं ना वो तो टक्सन बोलते हैं, मगर जो जानता है ना आदमी वो ऐसे ही पता चलता है ट्यूसॉन, समझ रहे। मुझे तो आज ही पता चला है कि इसको ट्यूसॉन बोलता है। चलिए सर आप बताइए। वो ट्यूसॉन थी मेरे पास पहले, और इंपोर्टेड मॉडल था, इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी वो, तो इंपोर्ट ही होती थी वो। अब क्या कि उसके बाद इंडिया में आने भी लग गई अब ट्यूसॉन, तो इसमें क्या परवेज खान सर के पास हुंडई वरना थी पहले, तो उनकी वो किसी कारणवश उनको वो बेचनी पड़ी और उन्होंने क्या किया ट्यूसॉन नहीं निकलवा ली। अब हम साथ में रहते थे तो उनको लगा कि यार जगदीप तूने तो रखी हुई है ट्यूसॉन और तू गाड़ियों के बारे में जानता भी है तो एक बार इसको चला के देख। तो पुराने ट्यूसॉन का मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई थोड़ा सा ब्रेकिंग सिस्टम में मेरे को होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं चीज़ें, तो उसके पैर के वेट पे डिपेंड करता है कि भाई कितने प्रेशर से लगाता है, तो मुझे थोड़ा सा इशू रहता था ब्रेक का। तो मैंने कहा यार एक बार ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं इसकी, तो मैंने कहा ठीक है। लाए थे ऑटोमेटिक और अच्छी पावर थी उसका, आरपीएम टॉर्क और सब अच्छी चीज़ें, बीएचपी बहुत अच्छा उसका। अच्छा, तो भाई मैंने गाड़ी भगाई, वो हाईवे पे ले गए हम बाहर, उदयपुर वाला बाईपास वाला हाईवे, 180 प्लस पे थी कार मेरी। तो दो ट्रक आ गए तो मतलब बराबर थे, तो मैंने कहा सर मेरे को ब्रेकिंग ही चेक करनी है, तो 180 प्लस पे हम चल रहे थे और सर साथ में बैठे थे। मैंने ब्रेक लगाई ना तो सर एक बार तो थोड़ा सा वाइब्रेट हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार तू है तो ड्राइवर अच्छा ही, कंट्रोल बढ़िया करता है। तो हुआ ये था कि उससे 10 दिन पहले परवेज खान सर का एक्सीडेंट हुआ था। अब आप सोचो जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ हो उसके साथ मैं ऐसे उसकी कार की जो है वो टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और उसकी ब्रेकिंग चेक कर रहा हूँ। सही है सर, तो उस बंदे के साथ हालत क्या हुई होगी उनकी। वही तो, इसीलिए दोस्तों ये शूट जो है हम हाईवे पे नहीं कर रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि ये शूट हाईवे पे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम भाई कमजोर दिल के लोग हैं, ठीक है, और सर दिलदार आदमी है। तो सर अब इस चीज में चलते हैं कि आपने, जैसे आप पढ़ा तो काफी टाइम से रहे हैं ही सही, आपको ड्राइविंग का एकदम से कैसे शौक हुआ, कब सीखा आपने? शौक को क्या है कि भाई हमारे घर में ऑलरेडी पहले से गाड़ियां थी, बचपन से ही, तो सरदार है तो ड्राइविंग से जुड़े हुए हैं। हाँ सिंपल बात है। तो पहले ट्रक वर्क थे, अंकल वो और पापा और सब मैनेज भी करते थे उन चीजों को। बाद में वो पापा तो मेरे गाड़ियों के वो डेंटिंग पेंटिंग के मिस्त्री भी थे। अच्छा। हाँ अभी वो है नहीं बेसिकली, तो वो जब काम करते थे तो शुरू से गाड़ियों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। मेरी अगर ड्राइविंग की बात करो तो घर वालों ने मुझे हमेशा ड्राइविंग से दूर रखने की कोशिश करी। और मैं जो ड्राइविंग सीखा हूँ बेसिकली वो सीखा हूँ मैं बसों से। अच्छा। स्लीपर से, स्लीपर कोच होती है ना। हाँ। ये और ट्रक, ये दोनों मैंने चलाए। तो आपको ये तो छोटा मोटा लगता होगा। मेरे को कार पे इसलिए मेरे को ज्यादा मतलब फील नहीं आता वो वाला, इसलिए मैं हमेशा गाड़ी किसी को लगता हो कि भाई डर लग रहा है या ऐसे वैसे काटने वाटने, मुझे प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा। बड़ी गाड़ी पे ड्राइविंग सीखी हुई है तो मेरे को जल्दी से डर नहीं लगता इन चीजों से। सही है सही है सही है सर, सही है। जैसे मैं बाहर रहता था ना कहीं भी, तो जब आता था तो एरिया के लोग ही होते थे ड्राइवर जानकार सारे, तो उनको पता होता था कि आज ये आ रहा है, तो वो भी अपना इंतजाम करके आते थे कि आज रेस्ट मिलेगा। अच्छा। रात को भाई ये चला लेगा 4-5 घंटे। अच्छा। तो मैंने बेसिकली जो ड्राइविंग सीखी वो स्लीपर कोच से सीखी, बसों से। अच्छा। और सारे जो थे वो पहले से कोई अंकल को जानता है, कोई पापा को जानता है, तो ऐसे लोग थे, तो इसलिए उनसे जानकारी भी अच्छी हो जाती थी एरिया वाइज। वाह 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 सर, सही बात है। हम तो सर कभी कार से आगे निकले ही नहीं। हाँ। और पॉइंट ये कि यार अब देखो कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर गली क्रिकेट खेलेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा इसी, तो उनको सर को तो कुछ लग भी नहीं रहा है ये बात। हाँ, ये मतलब बिल्कुल कोई खास बात नहीं लग रही मतलब सर को ये गाड़ी चलाने के अंदर, ठीक है। तो अब सर मेरे को एक और चीज बताइए आप, आपकी कौन से नंबर की गाड़ी है? मैंने सुना है कि आप बहुत ही एक्चुअली मैं पहले तो आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ। मैं नई गाड़ी कभी नहीं निकलवाता। हाँ। मैंने एक गाड़ी निकलवाई थी, वो भी मैंने घर पे देनी थी इसलिए। हाँ। है ना, वो थी इसकी फियट की एवेंचुरा। अच्छा। 2016 में निकलवाई थी, उसके बाद मॉडल आना बंद हो गया। आपने निकलवाई इसलिए? नहीं, उस मॉडल की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी थी और फिर उसके बाद क्या फियट वाइंड अप करके जीप आ रहा था उसकी जगह। अच्छा। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में जितने भी फियट के डीलर थे वो सारे जीप में कन्वर्ट हो गए। अच्छा। तो और इसीलिए हम अभी जीप कंपास में। हाँ, अभी हम जीप कंपास में हैं। तो मेरी फेवरेट गाड़ियों में आते हैं ये दोनों। अच्छा। है ना, तो ये वैसे अगर देखा जाए सीक्वेंस में तो 9th नंबर की कार है मेरी। 9th नंबर की? सर आप मेरे को बताओ आपकी उम्र क्या है?
मैं अभी 32 में चल रहा हूँ. 32 मैं भी 32 में चल रहा हूँ. मैं तो मेरे तो इतनी कार है ही नहीं. प्रशांत सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा इसी बात पे, जैसे अभी जगदीप सर ने बताया कि उनकी 9th नंबर की कार है जिसमें अपन बैठे हैं. सर आप भी 32 ही हो. हाँ, सर आपके पास कितनी कारें रही है? मैंने चार के चौथी कार है सर मेरे पास. आपका 9th कार है. बहुत जल्दी जल्दी चेंज. पहली कार क्या आप एक आपके साथ कम पता है आपके पास क्यों है? क्योंकि आप नहीं निकलवाते हो और मैं हमेशा यूज्ड कार लेता हूँ. क्योंकि यूज्ड कार के साथ ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा कर पाते हो. हाँ, सही बात है. चीजों को सीख पाते हो. नई कार होती है ना बंदे का दिल दुखता रहता है यार पता नहीं ये हो जाएगा इसको चेंज करके देखें या नहीं करके देखें. अब इसमें ये होता है कि अगर किसी चीज की मुझे जानकारी लेनी है या मुझे इंजन में कोई काम करना है या कुछ भी इधर तो देखना है. हाँ. तो मैं एक सेकंड हैंड गाड़ी में बड़ा इजीली कर सकता हूँ चीजों. सही बात है. तो प्रॉब्लम भी आती है तो मन उतना नहीं दुखता जितना कि नई कार के लिए दुखेगा आपका. बिल्कुल बिल्कुल. और नई कार के लिए अगर टेक्नोलॉजी जाननी हो तो टेस्ट ड्राइव जिंदाबाद. ये बात तो सर आप टेस्ट ड्राइव कर लेते हो आप. मैंने ये किस्सा भी सही है सर एक बार कि भाई आपने किसी कोई मारुति की गाड़ी का मारुति की नहीं होंडा कंपनी की गाड़ी थी उन्होंने मुझे मना कर दिया था टेस्ट ड्राइव देने से. अच्छा क्या वो क्या किस्सा है? WRV आई थी ना 2016-17 की बात ही है शायद. तो एडवेंचर मैंने निकलवा ली थी उसके बाद किसी दोस्त को लेनी थी WRV. हाँ. 17 की बात है. हाँ. मुझे याद नहीं है यार फिक्स. तो ले गया था मैं होंडा के WRV. हाँ. तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी हैचपैक और SUV टाइप गाड़ी है ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है. हाँ. तो कोटा के कुछ रफ रोड्स पे ले गया था मैं उसको. तो उन्होंने मना कर दिया सर इस रोड पे नहीं चलवाएंगे हम आपसे. हाँ. क्योंकि हाईवे पे मैं उनके साथ पहले चला के आया था तो समझ गए थे वो. तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ तो नहीं चलाएंगे. फिर मैंने कहा नहीं चलाएंगे फिर आपकी गाड़ी को मना ही है. फिर हमने खरीदी भी नहीं वो कार. मैंने किसी मेरे फ्रेंड के लिए देखनी थी तो साफ ही मना कर देते बोलो सर आपको देंगे नहीं टेस्ट ड्राइव. और अभी भी जैसे दूसरी गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव के लिए जाता हूँ ना मैं. हाँ. तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में ये होता है कि भाई वो या तो आधार कार्ड रखवा लेते हैं या लाइसेंस जो होता है वो रखवा लेते हैं. हाँ. फिर कहते हैं कि हाईवे पे चलेंगे. अच्छा. अकेले तो कभी गाड़ी दी नहीं मेरे को उन्होंने. भाई साहब सर ये मतलब ये जो है ना. लेकिन ऐसा एक मजे की बात और है सर इसमें मेरा अभी तक मतलब भगवान का शुक्र है टच नहीं हुई अभी तक गाड़ी का भी है सिंगल इतना सा भी इतनी सी भी नहीं. गजब सर गजब. बहुत किस्से हैं ड्राइविंग के तो मेरे पास. नहीं ड्राइविंग के तो सर वही तो मैं सर ये चीज़ जानना चाहता हूँ अगर कोई सेकंड हैंड ड्राइव गाड़ी खरीदना चाहता है सर जैसे मैंने भी आपसे उस दिन जिक्र किया था कि अब सर क्या है कि जैसे चार छल्ले की गाड़ी खरीदती है इच्छा है मेरी BMW टाइप मगर अब सर फर्स्ट हैंड खरीदने की इच्छा नहीं है. तो मैं आपसे इंस्पायर हो गया था सर. तो मेरे को अगर मान ली खरीदी तो मैं क्या चीज़ देखूँ? सेकंड हैंड गाड़ियों में देखो इंडिया के अंदर मार्केट बहुत बड़ा है सेकंड हैंड कार का. ठीक है. यूज्ड कार का. हाँ. वरना आप देखो छोटे छोटे जो अभी कार देखो और ये सब कितने बड़े ब्रांड बन चुके हैं. हाँ. है ना यूज्ड कार की मार्केट बहुत अच्छी है. लेकिन लोग एक्चुअली क्या यूज्ड कार लेने से डरते हैं. हाँ. डरते इसलिए क्योंकि उनको दो कुछ बेसिक चीजें जो उनको समझ में नहीं है. हाँ. कि भाई उन बेसिक चीजों का वो ख्याल नहीं रख पाते. उनको नहीं पता होता कि VHP का मतलब क्या है. उनको नहीं पता होता कि RPM का मतलब क्या है. उनको मतलब नहीं पता होता कि टॉर्क का क्या है. आप किसी बंदे के साथ जाओगे ना कंपनी में वो सब ये भारी भरकम वर्ड्स आपको बोल बोल के डराएगा. तो एक दो मिनट में क्रैश कोर्स दे दो मैं. हाँ तो मैं क्रैश कोर्स देने के लिए तैयार हूँ. हाँ. आपको करना कुछ नहीं है. आप सबसे पहले तो गाड़ी को लुक वाइज देखो. हाँ. एक तो होता है कलर पता चल जाता है हाथ लगाते अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है ना. हाँ. तो गाड़ी पे हाथ लगाते आपको पता चल जाएगा गाड़ी के कौन कौन से हिस्से हैं जो पेंट हुए. स्मूथनेस से पता चलता है. ठीक है ना कलर स्मूथ बहुत होता है जो कंपनी का होता है पहले से ही जो मशीनें करती हैं जो उसके बाद जो डेंटर पेंटर करते हैं उसमें वो स्मूथनेस नहीं आती. अच्छा तो एक तो टच करते ही पता चलता है कि भाई ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि गाड़ियाँ DC वगैरह से मॉडिफाइड नहीं होनी चाहिए. हाँ. या उनसे काम नहीं होना चाहिए वो कंपनी जैसे ही काम कर देते हैं. हाँ. बाकी अगर लोकल से कहीं से हुआ है तो वो एक तो सबसे पहला लुक है. हाँ. गाड़ी का. हाँ. दूसरा क्या होता है कि जो गाड़ी का फ्रंट हुड होता है ना जिसको हम बोनट कहते हैं. हाँ. उसको आप ओपन करिए फ्रंट गाड़ी का जो दोनों के दोनों इसके हिस्से हैं साइडों में त्रिकोण बना होता है. हाँ. उसको देखना होता है. उसकी भी वीडियो बनाएंगे किस दिन. हाँ. फ्रंट से कि भाई इंजन कैसे देखना होता है इंजन की स्टेबिलिटी कैसे देखनी होती है. हाँ. लोग गाड़ी लेते हैं सेकंड हैंड या कभी भी टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं हाईवे पे भगाना शुरू कर देते हैं. हाँ. करना ऐसा नहीं चाहिए. गाड़ी को थर्ड अगर BHP अच्छा है गाड़ी का तो फोर्थ गियर में अगर कम है तो थर्ड गियर में आप डालिए और गाड़ी को एक्सेलरेशन देना बंद कर दीजिए. अगर आपकी गाड़ी ऐसे स्लोप पे चढ़ रही है और विदाउट एनी मतलब इस पे कोई जोर नहीं आ रहा है इसको कोई झटका नहीं लग रहा है ये स्टेबिलिटी है इंजन की. अच्छा इससे पता चलता है कि इंजन कितना स्टेबल है इसका. ओके. क्योंकि गैसोलीन इंजन में क्या होता है प्रेशर कहीं पर भी अगर हल्का सा भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है. हाँ. पिस्टन की मूवमेंट में या पिस्टन के नीचे टुकड़ियां लगी होती हैं इनमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो इंजन की स्टेबिलिटी इतनी नहीं रहती जितनी की अभी आई. आप हाइट पे भी चढ़ाएंगे तो थर्ड गियर में आराम से चढ़ेगी गाड़ी. ओके. तो लोग क्या करते हैं गाड़ी लेते हैं और फूं फां करके चढ़ा भगाना शुरू करते हैं कहते भागती बहुत अच्छी है. हाई स्पीड पे तो गैसोलीन इंजन में पता ही नहीं चलता कुछ मिसिंग का. अच्छा मिसिंग का पता चलता है आपको लो स्पीड पे. ओके. तो पता चलेगा कि मिसिंग है गाड़ी में या नहीं.
ठीक है, तो मतलब ये बीएचपी के नंबर पे नहीं जाना अपने को? हाँ, इन पे नहीं। देखो एक बात है, आरपीएम और टॉर्क आपको हमेशा मैनेज करने होते हैं। हाँ। जैसे पेट्रोल के इंजन आते हैं ना, हाँ। उनका आरपीएम जो होता है, अब सिक्स गियर की गाड़ी आने लग गई, हाँ। लेकिन टॉर्क कम आता है गाड़ी का, हाँ। तो गाड़ी को जब आप पावर देते हो, हाँ। तो गाड़ी का जो टॉर्क होता है बेसिकली टायर कितना तेज घूम रहा है, हाँ। तो वो टॉर्क कम होने की वजह से, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ टाटा नेक्सॉन का, हाँ। मेरा अभी अभी का नया नया एक्सपीरियंस है, आरपीएम उसके कम आरपीएम पे बढ़िया काम करती है, लेकिन कब करती है, जब सिक्स गियर में होती है। लेकिन जब आप पावर देते हो ना उसको, आरपीएम बढ़ते हैं, टॉर्क कम है, तो जिन जिन जो है, जो गाड़ी जो है वो पावर लेती है आरपीएम से, हाँ। पेट्रोल भाई मतलब जलाती नहीं, पीती है। अच्छा। हाँ। जिस गाड़ी की एवरेज आप 16 की बता रहे हैं ना, टाटा नेक्सॉन की पेट्रोल पे, हाँ। 9 की एवरेज पे चलाई है मैंने गाड़ी, 130-135 पे। तो इसलिए आरपीएम और टॉर्क जो होता है ये दोनों मैनेज करने होते हैं। बीएचपी तो चलो इंजन की पावर है कि भाई कितनी पावर अंदर जनरेट कर रहा है वो, सही बात। लेकिन बीएचपी और टॉर्क अगर अच्छा होगा ना, इसका आरपीएम और टॉर्क अच्छा होगा गाड़ी का और मैनेज होगा, तो एवरेज भी अच्छी आएगी हाईवे पे। जैसे मैंने स्कोडा लोरा चलाई थी लास्ट, हाँ। 1980 का इंजन है उसका, अच्छा। 9080 का, हाँ। और हाईवे पे एवरेज मैं उसकी 20-21 की निकालता था, अच्छा। और डीजल में लोग ये बात सुन के मेरे से हंसते थे, और ऑटोमेटिक इंजन और था उसका, अच्छा। जो कि फॉक्सवैगन वेटा जेटा में भी वही आता है इंजन, सेम टू सेम। ओके। तो अब वो थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी चाहिए, इस पे हम वीडियोस बना लेंगे, हाँ। और मैं बता भी दूंगा कि सेकंड हैंड गाड़ी लेते टाइम किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है। सही बात है। पेस्टिंग्स होती हैं बहुत सारी जगह पे जो ये बता देते हैं कि गाड़ी यहाँ से खुली है नहीं खुली। अच्छा। जैसे मोबाइल के अंदर या कहीं पर भी बट जो नट होते हैं ना ब्लैक कलर के, हाँ। उनके ऊपर का इंक देखते हैं कि भाई ये खुला है या नहीं खुला। अच्छा। तो वैसे इसके अंदर भी ऐसा सिस्टम रहता है सेम टू सेम। ओके। पेस्टिंग्स होती है जगह जगह, अगर सीख लो भाई, कहीं से भी अगर खुली हुई है तो इसका मतलब ये है कि ये पार्ट बदला हुआ है या गाड़ी कहीं ठुकी हुई है। सही है। तो सर ख्याल रखना होता है। मैं तो जब कार लूंगा ना, मैं तो आपको दे दूंगा, हाँ। आप देख लेना सर, और आप बता दोगे तो ले लूंगा मैं। हाँ, सही। सबसे बेस्ट तो यही है यार, देखो दोस्तों, जो भी बच्चा कोटा में है, जो भी बंदा कोटा में है, जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, तो आगे आके कभी जगदीप सर से डिस्कशन कर सकता है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो सही सर, बहुत ही सही इन्फॉर्मेशन आपने ये दी। तो अब मेरे को सर ये चीज बताइए कि जैसे आपकी ये 9th कार है ना, अब एक चैलेंज है आपके लिए सर, सीक्वेंस में विद इन 30 सेकंड आपको 9 की 9 कार्स के नाम बताने हैं। हाँ, गिना दूंगा मैं। आप हाँ। लगो हुंडई सेंट्रो से, हाँ। हुंडई सेंट्रो के बाद फिर हुंडई ट्यूसोन पे आओ, हाँ। टोयोटा कोरोला पे आओ, हाँ। फिएट एवेंचर अभी भी है मेरे पास, स्कोडा लोरा है मेरे पास, हाँ। जीप कंपास है मेरे पास, हाँ। बीच में निसान सन्नी भी रखी है मैंने एक टाइम, SX4 है, हाँ। जो अभी भी मेरे घर पे खड़ी है, हाँ। और स्कोडा ऑक्टाविया। ऑक्टाविया 9 हो गई भाई ये देखो, ठीक है। और इसी वजह से देखो दोस्तों यार, मतलब अब बायोलॉजी के टीचर हैं तो अब ये चीज़ तो है कि भाई मेमोरी बहुत शार्प है सर की, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। सो सर ये एक बहुत ही अमेजिंग इंट्रैक्शन था, और मैं एक चीज़ लास्ट जो जानना चाहता हूँ ना, वो ये चीज़ है कि जैसे मतलब ये थोड़ा सा ऐसा कुछ मैसेज भी हम देना चाहते हैं हर एक ड्राइवर, मेरा ऐसा मानना है कि हर एक ड्राइवर है ना सर, मैंने सर एक बार मैं एम्स्टर्डम था, एम्स्टर्डम में राइट हैंड ड्राइव होती है, तो वहाँ पे मैंने एक निसान की बहुत अच्छी गाड़ियाँ चलती है वहाँ पे, तो मैंने एक गाड़ी से 240 पे चलाई थी वहाँ पे, दैट इज द हाईएस्ट स्पीड आई हैव एवर अचीव्ड, ठीक है। अब मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो इंसान गाड़ी चला रहा होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी हद क्या है। बिल्कुल राइट सर। और मतलब ये चीज़ है कि ऑब्वियसली जो को पैसेंजर होता है, पीछे के पैसेंजर जितना पीछे जाता है उतना ज़्यादा डर लगता है, मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है। अभी मैं इस पे ना एक बात और बताऊँ आपको, मेरे को याद आ गया, मेरी वाइफ जब आई थी शादी होके, नहीं तो उस टाइम पे क्या था कि उनको मतलब कार वार से ज्यादा इंटरेक्शन था नहीं, क्योंकि हम देसी लोग हैं सीधे, हाँ, साधे गांव के, हाँ, पढ़ी लिखी हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन इन चीजों से दूर ही थी, हाँ। तो जैसे वो मेरे साथ आई तो अब कार में बैठना शुरू किया उन्होंने, अब धीरे धीरे उनको आदत पड़ने लगी कार की, हाँ। अब आजकल तो हाईवे पे ये हो गया कि अगर मेरे को गाड़ी क्रॉस कर जाती है ना, हाँ, मतलब मेरे को क्रॉस कर जाती है, तो उनका जवाब होता है मेरे से पूछती है वो कि भाई कहीं बिजी हो क्या आप, कुछ सोच रहे हो क्या आप, कि भाई वो कार हमसे आगे को निकल गई, क्योंकि आज तक बहुत रेयर हुआ है कि हाईवे पे मुझे क्रॉस करता है कोई भी, तो अब वो भी उस चीज की उनको आदत हो गई है, हाँ। लेकिन इंडिया के अंदर आप सोचो कि गाड़ी तेज चलाना और रफ चलाना, हाँ, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। बस मैं यही मैसेज करवाना चाहता था, ये मैं यही मैसेज करवाना चाहता था, ये बात जो आप बोल रहे हो ना, आप आज भी देखो, मैं आपको बताऊं, हाईवे पे अगर आदमी सही तरीके से और रूल्ड तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप इसको बहुत तेज चला सकते हैं। गाड़ी में मीटर स्पीड 240-220 की दी इसलिए, हाँ, कि भाई आप इसको भगाइए, और हाईवे बनाए इसलिए जाते हैं, हाँ। लेकिन आप सोचो फिर भी लोग एक्सीडेंट करवा देते हैं, तो एक्सीडेंट होते नहीं है, करवाए जाते हैं, हाँ। जहां आपको चीजों का ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि बहुत सारी रोड्स पे इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहां ब्लाइंड स्पॉट्स बनते हैं, हालांकि अभी जो रोड्स का नया काम चल रहा है ना, हाँ, इन्होंने ब्लाइंड स्पॉट्स को हटाने का काम कर लिया, हाँ।
लेकिन आप कभी चलना हाईवे पे या रोड पे कभी जाओ ना तो एक ग्रीन कलर का बोर्ड लगा होता है कि सावधान आगे विकट मोड़ है या आगे या दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, इन पे ध्यान देना चाहिए। ये ब्लाइंड स्पॉट होते हैं रोड के बेसिकली। कई जगह पे लोगों को लगता है यार रोड तो सीधी थी, मोड़ तो सीधा ही था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है टेक्निकली जियोग्राफिकली कि वहां बनते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स और लोग उन चीजों का ख्याल नहीं रखते। आप ब्लाइंड स्पॉट्स का ख्याल रखिए, इन चीजों पे ध्यान दीजिए, बाकी आप पूरे रूल्स के साथ भगाइए गाड़ी जितना मर्जी। भगाने के लिए तो बना है इंजन, पावर जनरेट इसलिए होती है उसके अंदर। बिल्कुल, तो ये चीज़ को समझिए दोस्तों, ये जो सारे जो रोड के जो साइंस होता है ना, इनका मीनिंग होता है कुछ ऐसा नहीं कि ड्राइंग करने के लिए बना दिए केवल, ठीक है ना। सो सर बहुत अच्छा इंट्रैक्शन था आपके साथ, कुछ मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को लास्ट? स्टूडेंट को लास्ट मैसेज तो मेरा यही है, मेरे बच्चों को तो खास करके यही है कि भाई जैसे इंजन पावर जनरेट करता है ना एक्सेलरेटर दबाते ही, वैसा ही पावर अभी जनरेट करने का टाइम है, क्योंकि मेरे बच्चों का 7 मई को पेपर है। तो उसी पावर के साथ वो लगे रहें, लेकिन बीच बीच में आने वाली जो संवैधानिक चेतावनी है उस पर भी ख्याल रखें। बिल्कुल सही बात है, जो कि उनकी कंसिस्टेंसी है जिसको वो बना के रखें, और 7 मई के बाद मैक्सिमम बच्चे मुझसे मिलें तो भाई वाइट एप्रिन में मिलें। बिल्कुल ये बात, सो बहुत ही अमेजिंग मैसेज था दोस्तों, सभी बच्चों को मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।